हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अपन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में अपन कंप्लीट क्वेश्चंस कर रहे हैं। शुरुआत में कुछ इजी क्वेश्चंस है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। अभी अपन करें क्वेश्चन नंबर 67। ये थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हायर है। हालांकि डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन मार्जिनली डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हायर है। देखते हैं अपन इसमें किस तरह से एडजस्टमेंट किए। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन करने के पहले अपन उसके फॉर्मेट बनाए, क्वेश्चन को पहली बार रीड करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या फॉर्मेट रिक्वायरमेंट होती है, वो फॉर्मेट नोट कर लेंगे और फिर आप उसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लेंगे और फिर अपन उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पढ़ करके उसको जो जो एडजस्टमेंट आते हैं, जहाँ जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो करना होता है, अपन उसको इमीडिएटली हाथों हाथ उसका पूरा काम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपने को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। यस, तो सबसे पहला है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 67। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट एज अंडर क्रेडिटर्स प्रोविडेंट फंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैपिटल अकाउंट बैंक डेटर्स स्टॉक प्रीमाइसेस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ऑन 1 अप्रैल 2018 जेड एडमिटेड एज ए पार्टनर। एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड वाई 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ करके दिए, इसका मतलब आपको पहले जेड का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्स ने कितना शेयर दिया और वाई ने कितना दिया। इन दोनों को क्लब कर लेंगे तो जेड का शेयर आ जाएगा अपने पास में। गुडविल इज वैल्यूड 1,60,000। ये गुडविल का जो वैल्यूशन है, ये फर्म की गुडविल है। जेड ब्रिंग्स ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड 1,50,000 इज कैपिटल। जो गुडविल का जितना पैसा बनता है उसका 2/5 वो कैश लाता है और बाकी के पैसे गुडविल के नहीं लाता है, और कैपिटल के पैसे लाता है 1,50,000। फॉलोइंग टर्म्स आर एग्रीड। प्रीमाइसेस is to be increased to 2 lakh and stock by 5,000. Creditors proved 60,000. One bill for goods purchased having been omitted from the books. Outstanding rent amounted to ₹12,000 and prepaid salaries ₹2,000. Liability on account of provident fund was only ₹10,000. Liability for workmen compensation claim was ₹16,000. Prepare the revolution account, partners capital account and opening balance sheet and also calculate the new profit sharing ratio. तो सबसे पहला काम अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जिससे अपने को सेक्रीफाइस रेशियो भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जेड का एडमिशन होता है, क्या करता है, एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। एक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। एक्स जो है, एक्स और वाई का क्या रेशियो है, 5:3। तो एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, एक्स का कितना होगा, 5/8 × 1/4। तो एक्स का हो गया 5/32। यह सेक्रीफाइस वैल्यू हो गई है, यह सेक्रीफाइस वैल्यू हो गई। वाई की क्या होगा, 1/3 ऑफ हिज शेयर। वाई का 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो वाई का है 3/8 × 1/3। इसका हो गया आपके पास में 1/8। ये भी सेक्रीफाइस वैल्यू हो गई, सेक्रीफाइस वैल्यू हो गई। अब इनका सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, 5/32 × 1/8। एलसीएम ले लेंगे इनके 32, तो 5:4। तो ये उनका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 5:4। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 5:4। अब इनका नया रेशियो कैलकुलेट करते हैं अपन, एक्स और वाई का न्यू रेशियो। एक्स, एक्स का पुराना था 5/8 माइनस सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कितना हो गया इसका, 5/32। तो माइनस 5/32। एलसीएम आ गया आपके पास में 32, 8 × 32 5 × 20, 8 × 32 5 × 20 माइनस 5, इट मीन्स 15/32। वाई का क्या होगा, वाई का था पुराना रेशो 3/8 माइनस 1/8,
वन अपॉन एट, इसका हो गया आपके पास में डायरेक्टली आ जाएगा टू अपॉन एट, और जेड का हो गया आपके पास में क्या होगा, जेड का इन दोनों को प्लस कर देंगे फाइव अपॉन थर्टी टू प्लस वन अपॉन एट, जेड का हो जाएगा आपके पास में नया रेशो जो एक्स ने सेक्रीफाइस किया फाइव अपॉन थर्टी टू प्लस इसने सेक्रीफाइस किया वाई ने वन अपॉन एट, इसका हो गया एलसीएम ले लेंगे थर्टी टू फाइव प्लस फोर नाइन अपॉन थर्टी टू, नया रेशो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, नया रेशो क्या हो जाएगा इनका, एक्स का फिफ्टीन अपॉन थर्टी टू, वाई का टू अपॉन एट, जेड का नाइन अपॉन थर्टी टू, नया रेशियो अब इनको वापस करेंगे एलसीएम लेकर के क्या करेंगे इसका, दोबारा करेंगे इसको फिफ्टीन आठ सौ का बत्तीस चार दुनिया आठ एंड नाइन फिफ्टीन एट और नाइन, यह नया रेशियो हो गया इनका फिफ्टीन एट और नाइन, ये तो नया रेशियो हो गया और सेक्रीफाइस रेशियो फाइव इज टू फोर, तो अपन इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कहीं पे सेक्रीफाइस रेशियो फाइव इज टू फोर, सेक्रीफाइस रेशियो फाइव इज टू फोर और नया रेशियो फिफ्टीन एट और नाइन, ये अपने आगे कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसलिए अपन इसको मिटा देता हूँ मैं आपको और बाकी आगे काम करते हैं अपन। यस फाइव इज टू फोर, यस सेक्रीफाइस रेशियो फाइव इज टू फोर, यस। अब अपन पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखते हैं बाई बैलेंस पी डी, कितने कैपिटल है दो लाख साठ हज़ार एक लाख पैंतीस हज़ार, दो लाख साठ हज़ार और एक लाख पैंतीस हज़ार। अपन बैलेंस शीट पढ़ते हैं, जो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्रेडिटर्स प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड अपनी लाइबिलिटी होती है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसके बारे में अपने को एडजस्टमेंट में कहा हुआ है वहाँ उसका एडजस्टमेंट करेंगे अपन, कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं होगा, बैंक डेटर्स स्टॉक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सोलह हज़ार रुपये प्रॉफिट शेयरिंग फाइव इज टू थ्री तो दस हज़ार और छः हज़ार, एक्स वाई जेड। फिर कह रहा ऑन फर्स्ट अप्रैल द एडमिटेड जेड ही सरेंडर वन फोर्थ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल, वन थर्ड ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड, गुडविल वैल्यूड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड, गुडविल वन लैख सिक्सटी थाउजेंड है, इसका आपने प्रॉफिट शेयर देखा था नाइन अपॉन थर्टी टू था, इसका रेशियो था फाइव अपॉन नाइन अपॉन थर्टी टू था इसका रेशियो, नया रेशियो अपने पास में क्या था फिफ्टीन फोर और नाइन, ये नया रेशियो था अपने पास में, तो इसका प्रॉफिट शेयर हो गया पंद्रह चार उन्नीस नहीं पंद्रह और आठ, पंद्रह आठ तेईस और नौ बत्तीस, यस इसका तो नया रेशियो था फिफ्टीन एट और नाइन, इसका रेशियो हो गया नाइन अपॉन थर्टी टू, तो इसका वन लैख सिक्सटी थाउजेंड इंटू नाइन अपॉन थर्टी टू, इसकी गुडविल हो जाएगी आपके पास में पाँच पाँच हज़ार, पाँच का मतलब पैंतालीस हज़ार, गुडविल का शेयर हो गया इसका फोर्टी फाइव थाउजेंड, जेड का शेयर हो गया आपके पास में जेड, जेड का शेयर हो गया गुडविल का फोर्टी फाइव थाउजेंड। अब क्या कह रहा है ये, जेड ब्रिंग्स ओनली टू अपॉन फाइव ऑफ हिज शेयर इन गुडविल, जेड जो है अपनी गुडविल का टू अपॉन फाइव लाता है, जेड ब्रिंग्स ओनली टू फिफ्थ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश कितना लाएगा ये फोर्टी फाइव थाउजेंड इन टू टू अपॉन फाइव, नौ दिन अट्ठारह हज़ार रुपये, ये तो कैश ला रहा है। अब बाकी की गुडविल जो होगी वो करंट अकाउंट को जाएगी, जेड करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितना होगा आपके पास में सत्ताईस हज़ार आठ सात पंद्रह, ये हो गया। अब ये गुडविल के जो पैसे ला रहा है फोर्टी फाइव थाउजेंड उसमें से अट्ठारह हज़ार रुपये तो कैश ला रहा है और ट्वेंटी सेवन थाउजेंड नहीं ला रहा है, तो उसके अपन करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे अपन एडजस्टमेंट में, और कैपिटल के पैसे ला रहा है एक लाख पचास हज़ार रुपये, तो अपन एंट्री करते हैं कैपिटल बाई कैश का नहीं लिखा अपन ने, यहाँ पर कैश लिख लेता हूँ मैं, इसमें कैश दिया हुआ है बैंक ट्वेंटी नाइन थाउजेंड, पॉजिटिव बैलेंस इसलिए मैंने प्लस करके लिखा है, कैपिटल के पैसे ला रहा है बाई बैंक
1,50,000, यहाँ भी हो जाएगा प्लस 1,50,000। गुडविल के पैसे ला रहा है आपके पास में 18,000 रुपये, तो प्लस 18,000 गुडविल के ला रहा है आपके पास में, बैंक में ऐड हो जाएंगे, और ये 18,000 रुपये इनके सेक्रीफाइस रेशियो में क्रेडिट कर देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या रेशियो इनका सेक्रीफाइस रेशियो 5:4, तो 10,000 और 8,000, और अब गुडविल की जो 27,000 है इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन बाई जेड करंट अकाउंट। इसके आएंगे 5 और 4, 9, 9, 27, 15,000 और 12,000, और ये करंट अकाउंट हाथों हाथ यहाँ पे लिखेंगे जेड करंट अकाउंट 27,000। ध्यान रखें, अगर अपने ये 27,000 इमीडिएटली नोट नहीं किया तो बाद में अपने को ध्यान नहीं आएगा, जो डिफरेंस हो जाए आपका आपके बैलेंस शीट में। यस, अब आगे कह रहा है अपने पास में कैपिटल फॉलोइंग टर्म्स, प्रीमाइसेस इंक्रीज, प्रीमाइसेस इज टू बी इंक्रीज्ड टू 2,00,000। 2 का मतलब नई वैल्यू है, प्रीमाइसेस की बुक वैल्यू दी है इसने अपने पास में 1,50,000, नई वैल्यू दी है 2,00,000 रुपये, 50,000 से बढ़ गए आपके पास में, तो बाई प्रीमाइसेस 50,000 रुपये से वैल्यू बढ़ गई और अब प्रीमाइसेस की वैल्यू हो गई 2,00,000 रुपये, बैलेंस शीट में चली जाएगी 2,00,000 रुपये इसकी वैल्यू। फिर आगे कह रहा है एंड स्टॉक बाय 5,000, प्रीमाइसेस इंक्रीज्ड टू 2,00,000 एंड स्टॉक बाय 5,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू 5,000 से बढ़ानी है आपको, तो बाय स्टॉक 5,000, और स्टॉक की पुरानी वैल्यू क्या है उसमें अपन 5,000 ऐड करके नई वैल्यू लिख देंगे अपन, स्टॉक की पुरानी वैल्यू है 125, तो 1,30,000। ये देखें अपन एडजस्टमेंट दोनों जगह नोट कर रहे हैं, रिवोल्यूशन में नोट कर रहे हैं और नई बैलेंस शीट में भी नोट कर रहे हैं अपन। क्रेडिटर्स प्रूव्ड 60,000, वन बिल ऑफ गुड्स परचेज हैविंग बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड, क्रेडिटर्स 60,000 रुपये के हो गए, क्रेडिटर्स आपके पुराने हैं 50,000 रुपये के, अब 60,000 के हो गए, मतलब 10,000 रुपये से क्रेडिटर्स को बढ़ाना है, लॉस हो गया इसलिए डेबिट साइड में टू क्रेडिटर्स 10,000, और यहाँ पे क्रेडिटर्स हो गए 60,000। क्रेडिटर्स ये कह रहा है क्रेडिटर्स प्रूव्ड 60,000, क्रेडिटर्स 50,000 के थे अब 60,000 के हो गए, लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब लॉस होता है, तो डेबिट साइड में लिख दिया अपन ने। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट ऑफ रुपीज 12,000, लाइबिलिटी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग रेंट है 12,000 रुपये का, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000, और बैलेंस शीट में लिख देंगे अपन आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ गई इसलिए अपने लॉस हो गया और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिख दिया। प्रीपेड सैलरी 2,000, प्रीपेड सैलरी एसेट्स साइड में लिखते हैं, एसेट्स इंक्रीज हो गए, प्रॉफिट हो गया बाई प्रीपेड सैलरी, बाई प्रीपेड सैलरी 2,000, और यहाँ भी लिख देंगे प्रीपेड सैलरी 2,000। देखो हाथों हाथ कर रहे हैं जो भी एडजस्टमेंट कर, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000, प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी है 10,000 रुपये, जबकि प्रोविडेंट फंड अपने पास में 15,000 रुपये, प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी है 10,000 रुपये, प्रोविडेंट फंड है 15,000 रुपये, तो लाइबिलिटी कम हो गई, प्रॉफिट हो गया बाई पी एफ 5,000 रुपये, और अब यहाँ प्रोविडेंट फंड हो गया आपके पास में 10,000 रुपये का, बैलेंस शीट में नई वैल्यू आ गई आपके पास में, तो 10,000 बैलेंस शीट में गया, 5,000 बच गए जो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गई। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाज 16,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है अपने पास में 40,000 रुपये का, और क्लेम है 16,000 रुपये का, तो जितना क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16,000। क्या कह रहा है आपने को ये, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाज 16,000, यहाँ पे क्लेम वर्ड यूज किया तो अपने बैलेंस शीट में क्लेम लिख दिया। अब अपने पास में वर्कमैन कंपनसेशन है 40,000 रुपये का 40,000, और क्लेम है 16,000, 24,000 बच गए, ये 24,000 बच गए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 24,000 रुपये बच गए अपने पास में,
चौबीस हजार को 5:3 पाँच तिया 5 3 8 तिया 24 15,000, 5 3 8 8 तिया 24 3 5 15,000 और 9,000 यहाँ पे आया था 5 4 9 9 3 27 5 3 4 यस 15 वर्कमैन कमीशन से 24,000 आया, 24,000 को 5 3 8 3 24 तो 5 3 15 3 यस वर्कमैन कमीशन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस यही कह रहा है अपने पास में। देखते हैं अब रिवल्यूशन अकाउंट में क्या प्रॉफिट लॉस क्या आता है अपने पास में। सबसे पहला काम क्वेश्चंस का सारा काम कर लिया अपन ने, अब रिवल्यूशन अकाउंट का सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन ने जितना भी एडजस्टमेंट था सब कर लिया अपन ने, अब अपन रिवल्यूशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। रिवल्यूशन अकाउंट पहले नंबर पर होता है, दूसरे नंबर पर पार्टनर्स कैपिटल होता है और तीसरे नंबर पर बैलेंस शीट होती है। सीक्वेंस जो होती है, सबसे पहले रिवल्यूशन अकाउंट, सेकंड नंबर पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड पर बैलेंस शीट। मेरे यहाँ जगह की एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने रिवल्यूशन अकाउंट के नीचे बैलेंस शीट बना दी है। यस, तो आओ अपने पास में यस रिवल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। 5 2 7 5 12 5 6 5 2 7 5 12 5 6 12 10 22 62,000 2 1 2 4 40,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है? एक्स एंड वाई। प्रॉफिट शेयरिंग 5:3 5 3 8 5 40 25,000 और 15,000 ये प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई रिवल्यूशन 25,000 और 15,000। अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे। ये आपके पास में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ गए। अब इसके बाद में अपन करेंगे बैलेंस शीट में नोट कर देंगे अपन एक्स वाई जेड। एक्स का बैलेंस आ गया 315 1,73,000 और 1,50,000। अब और कौन से रह गए इधर से? ये आगे सब इधर बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस ये आएगा अपने पास में 9 8 17 2 1 3 5 8 1 9 28 29 37 10 47 9 8 17 2 1 3 5 8 1 97। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है तो डेटर्स के बैलेंस जो होंगे वो पुराने हो जाएंगे 180। और कौन सा आएगा अब इसमें? डेटर्स के बैलेंस आ गए, स्टॉक आ गया, प्रीमाइसिस आ गया, सब आ गया। अब इसका अपन टोटल लगाएंगे बैलेंस शीट का। इस तरह से आपके बैलेंस शीट का टोटल टेली हो गया 7,36,000। ध्यान रखें हर एडजस्टमेंट को अपने हाथों हाथ उसका कंप्लीट अकाउंटिंग किया, ऐसा नहीं कि एक पार्ट अपने कर दिया और एक पार्ट अपने छोड़ दिया। जरूरी है अपन हर एडजस्टमेंट को साथों साथ पूरा काम कंप्लीट करें जिससे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। इस तरह से अपनी बैलेंस शीट टैली हो गई। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।